हेलो स्टूडेंट्स, टेली सॉफ्टवेयर की यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन की मेथड को लेके। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी हम टेली सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं और ग्रोस प्रॉफिट को देखने के लिए हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को अलग अलग देखने के लिए टेली सॉफ्टवेयर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन भी देते हैं, लेकिन हमें उनको बार बार सेलेक्ट करने के बाद वापस ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करने के बाद हमें पता चलता है भी इस मेथड से टेली सॉफ्टवेयर है जो स्टॉक की वैल्यूएशन ये दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं भी ये जितने भी हमारे स्टॉक के मेथड है वो सारे के सारे हमें एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे, जिससे कि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े भी कौन से स्टॉक के अकॉर्डिंग हमारा कितना स्टॉक की वैल्यूएशन आ रही है। या फिर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को डे टू डेट, ईयरली, मंथली, वीकली या किसी भी अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हो तो वो किस प्रकार से हम देखेंगे, ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम आपके साथ प्रैक्टिकल तरीके से शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो स्टूडेंट, टेली सॉफ्टवेयर में कंपनी मेरे पास ओपन है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फाइनल अकाउंट्स पे और यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। और हमें यहाँ पे एक बार पीरियड भी चेंज कर लेता हूँ। तो जैसे हमने पीरियड चेंज किया तो यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ रही है 283,973 रुपये और 28 पैसे की। अब हमें इस अगर क्लोजिंग स्टॉक को अलग मेथड से देखना चाहिए तो या तो आप F8 बटन प्रेस कर सकते हो या फिर वैल्यूएशन पे भी क्लिक करके इसका मेथड हम चेंज करेंगे। हमने वैल्यूएशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूएशन मेथड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब ये जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आ रही थी वो डिफॉल्ट के रूप में आ रही थी। अब यहाँ पर जैसे भी यहाँ पर इसका वैल्यूएशन मेथड हम चेंज करते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अब ये डिपेंड करता है भी आपकी जो कंपनी है कौन से मेथड को फॉलो करती है। मान लीजिए मैंने लास्ट परचेज कॉस्ट किया तो लास्ट परचेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से आ रहा है। लास्ट सेल प्राइस अगर देखें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। यानी कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू चेंज हो रही है इन्हें हमें बारी बारी वैल्यूएशन पे जाके मेथड को सिलेक्ट करके उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इसको देख रहे हैं भी क्या वैल्यूएशन की रिपोर्ट आई है। लेकिन हम ये चाहते हैं भी सारी जितनी भी ये वैल्यूएशन है और इन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बनेगी ये हमें एक स्क्रीन पर दिखाई दे। तो इसके लिए आपको टेली के होम पेज यानी कि गेटवे ऑफ टेली पे आना है, स्टॉक समरी पर आना है और यहाँ से हम आपको सिलेक्ट करना होगा ऑटो कॉलम। जैसे हम यहाँ पे ऑटो कॉलम क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले हम यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को, एंटर हम प्रेस करेंगे। तो जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर की साइड के अंदर जितने भी हमारे मेथड थे वो सारे के सारे मेथड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और उन मेथड के अकॉर्डिंग आपकी क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू आनी चाहिए वो आपको साथ के साथ यहाँ पे नीचे भी डिस्प्ले होती रहेगी। यानी कि जो मेथड आपका वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, और इनकी इसी अकॉर्डिंग जो आपकी वैल्यू रहेगी स्टॉक की वो आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। आप एरो के से आके आगे भी बढ़ते जाएंगे तो आपके सामने जितने भी मेथड वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे और उनकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको लास्ट के एंड में यहाँ पर दिखाई दे देती रहेगी। तो ये तो था हमारा एक ही स्क्रीन के ऊपर मेथड को देखना। उसके बाद हम वापस आते हैं, बैक स्टॉक समरी पे आएंगे, एल्ट एन एम यूज करते हैं। अब मान लीजिए आपको स्टॉक डेली देखना है तो आप डेली पे क्लिक करोगे और शो टोटल कॉलम को आपको देखना है तो आपको यस करोगे। तो जैसे आप यस करोगे तो आपके सामने ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक आपके सामने डे टू डेट आएगा, जैसे कि 1 अप्रैल 2023, 2 अप्रैल 2023, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, यानी कि डे टू डेट आपके सामने ये स्टॉक की वैल्यूएशन होती रहेगी। उसके बाद अगर वापस आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप इसको हाफ ईयरली, मंथली या क्वार्टरली भी चेंज कर सकते हो। यस करेंगे तो क्वार्टरली आपके सामने ये स्टॉक है जो 3-3 महीने से शो करेगा। वापस हम एल10 पे चलते हैं और उसके बाद अगर आप वीकली चेंज देखना चाहते हो उसको और आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये वीकली भी आएगा और आपके सामने ऊपर ये डेट भी आएगी कब से लेके कितनी तारीख तक आपके सामने ये डाटा आ रहा है। 10 अप्रैल से 16 अप्रैल, 17 अप्रैल से आपके सामने
23 अप्रैल यानी कि 7-7 डेट का आपके पास कितना क्लोजिंग स्टॉक था, वो स्टॉक की वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ईयरली आप वाइट बेल्ट, ईयरली तो हमारे पास होता ही है, मंथली, हाफ ईयरली, यानी कि इस तरीके से हम काफी सारी हमारी रिपोर्ट से जो क्लोजिंग स्टॉक की हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो स्टॉक वैल्यूएशन मेथड को लेके, भी कौन से वैल्यूएशन मेथड को कितना स्टॉक आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो हम सारा का सारा डाटा एक स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर लेना।